नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम ये जो वी कूल की सेल्फी स्टिक है जिसकी मैंने रिव्यू वीडियो कुछ मंथ्स पहले बनाई थी और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है उस वीडियो पर भी। तो कुछ यूजर्स का उसमें क्वेश्चन था कि जो इसके साथ रिमोट मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रिमोट को, ये मैं आपको दिखाता हूँ रिमोट, ये निकालता हूँ। तो जो ये रिमोट मिलता है, इस रिमोट को हम लोग कैसे अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही करके दिखाऊंगा कि इस रिमोट को हम लोग फोन से कैसे कनेक्ट करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेल्फी स्टिक जिसका मैंने रिव्यू किया था, ये इस समय अमेजन पे नंबर 1 पर सेलिंग सेल्फी स्टिक में से है। तो नंबर 1 पर ये अभी रैंक कर रही है अमेजन पे सेलिंग पर, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस सेल्फी स्टिक को। और यूजर्स ने भी, जो वीडियो मैंने रिव्यू वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी यूजर्स ने जो वीडियो देखी उनमें से कई लोगों ने ये सेल्फी स्टिक बाई की है, उसके बाद मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप जैसे ये देख रहे हैं, मैं इसको पहले ये खोल के दिखाता हूँ। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि इसमें सेल कैसे लगता है या चार्ज होती है या क्या है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसमें ये चार्जेबल तो नहीं है बट इसमें सेल लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेल है, बटन सेल है, ये है ये लगता है इसके रिमोट के अंदर। तो कैसे लगेगा, ये इस तरह से बहुत आसानी से इसमें फिट हो जाता है। और ये इसका टॉप है, तो इसको हम लोग बड़े आराम से ओपन भी कर सकते हैं और इस तरह से आराम से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर ये जो स्पेस है, इससे आप करके पुल कर लेंगे ऊपर कवर को, तो ये आराम से ओपन हो जाएगी। तो ये तो रहा कि इसमें बैटरी कौन सी लगती है। तो अब हम करते हैं इसका ब्लूटूथ चालू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो बटन है इसको दबा के रखना है, और आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो थोड़ी देर के लिए दबाएंगे कि ये पूरी तरह से चालू हो जाए। हाँ, जैसे ये ब्लिंक करने लगेगी आप इसको प्रेस करना बंद कर दीजिए, तो ये स्टेडी हो जाएगी। अब ये धीमे धीमे ब्लिंक कर रही, पहले तेजी से कर रही थी। अब आपको लेके चलता हूँ अपने फोन पर, तो ये दिखाता हूँ, फोन ओपन कर लेता हूँ और हम आ जाएंगे अपने ब्लूटूथ पर। तो मैं ब्लूटूथ ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे ये यहाँ पर ब्लिंक कर रही है और यहाँ पर अवेलेबल डिवाइसेस में वी कूल सेल्फी लिख करके आ रहा है। तो ये मैं इस पर क्लिक करूंगा, पेयर का करने को कह रहा है, तो पेयर पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये हो चुकी है पेयर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख करके आ रहा है वी कूल सेल्फी कनेक्टेड, तो ये कनेक्ट हो गई है। अब काम कैसे करती है, तो जो ये रिमोट में बटन है, बस अब मेरे को इस बटन को यूज करना है। तो मैं कैमरा ओपन कर लूंगा, तो इस फोन का मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कैमरा ओपन करके, ये रहा कैमरा। और जैसे भी मेरे को, जैसे फोटो मोड में हूं, तो मेरे को अगर फोटो लेना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा और आप देखिए ये फोटो इसने ले ली। तो आप कभी भी सेल्फी स्टिक को, फोन को, जैसे ये फोन है, ये है, आप इसको स्टैंड में हम लोग लगा सकते हैं इसको आराम से। तो मैं इसको लगा देता हूँ स्टैंड पर, तो इस तरह से ये स्टैंड को हम लगा करके, ये आप देख रहे हैं ये। तो अगर हम कहीं दूर से हैं और सेल्फी लेना चाहते हैं तो केवल हमें ये बटन प्रेस करना है और आप देखिए यहाँ पर फोटो लेना शुरू हो गया। तो मैं फोटो दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये आ गई ये फोटो, तो ये पहले ली थी, ये ली। दोबारा से आते हैं, ऐसे ही वीडियो मोड में अगर हम हों, मैं वीडियो मोड में भी जाता हूँ, फोटो वीडियो, तो जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार चालू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने प्रेस किया, यहीं से प्रेस किया, ये वीडियो चालू हो गई। और स्टॉप करने के लिए दोबारा से मेरे को बटन दबाना है, तो वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। दोबारा से करके दिखाता हूँ, ये बटन दबाया मैंने तो आप देखेंगे यहाँ नंबर्स आना शुरू हो गए, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी। और अगेन स्टॉप करने के लिए आप बटन को दबा देंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस था, बट जब हम नई सेल्फी स्टिक लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। तो आई होप आपका जो ये क्वेरी थी
कई यूजर्स ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि कैसे करना है, इस पर वीडियो बना करके दिखाइए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। तो आई होप आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो वो कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन पर भी वीडियो लेकर के आऊँ या डायरेक्टली आपको कमेंट में ही उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। तो मिलते हैं फिर आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।